तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर दुनिया, जंग छेड़ देंगे दुनिया के सारे देश, पुतिन के एक हिंट से मचा हड़कंप। दुनिया रूस और यूक्रेन की खौफनाक जंग देख रही है, जिसके रुकने के आसार अब नहीं नजर आते। करीब 8 महीने से इजराइल और हमास की जंग भी जारी है, जिससे अरब देशों में भी जंग भड़कने की गारंटी नजर आती है। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। अमेरिका और रूस के रिश्तों में भी तल्खियां हैं। इन युद्धों ने दुनिया को दो गुटों में बांटने का काम किया है। युद्ध में शुरू से ही ये बात साफ नजर आई है कि अमेरिका के साथ पश्चिमी देशों का समर्थन यूक्रेन और इजराइल के साथ रहा है। हालांकि अमेरिका कभी कभी उन युद्धों पर अपने न्यूट्रल बयानबाजी से दुनिया को कंफ्यूज जरूर करता है। वहीं दूसरे खेमे में रूस, ईरान, फिलिस्तीन, उत्तर कोरिया, कतर, सीरिया, लेबनान, मिस्र और करीब करीब सभी इस्लामिक देश साथ नजर आए हैं। फिर चाहे वो हथियारों की सप्लाई हो, सैन्य मदद हो या फिर प्रॉक्सी संगठनों द्वारा दुश्मन देशों के जहाजों पर हमला करना हो, इनकी एकजुटता से ये बात साफ है कि कभी जंग का लोहा अगर गर्म होगा तो ये तमाम देश और संगठन हथौड़ा लेकर मैदान में एक दूसरे के साथ जरूर नजर आएंगे। जंग की इन आशंकाओं के बीच रूस के एक अखबार ने ऐसी खबर दी है जिससे तीसरे विश्व युद्ध की सुगबुगाहट तेज हो गई है। जी हाँ, रूस के प्रमुख अखबार ने लिखा है, तीसरा विश्व युद्ध धीरे धीरे बिना किसी के ध्यान में आए बेहद करीब आ गया है। अखबार ने ये बात तब लिखी है जब हाल ही में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने धमकी दी थी कि यूक्रेन की तरफ से लंबी दूरी वाले हथियारों से किए जा रहे हमले नाटो देशों को मॉस्को के साथ सीधे टकराव के करीब ले जाएंगे। यूक्रेन के साथ 2 साल से जारी जंग ने वैश्विक स्तर पर टकराव को बढ़ाने का काम किया है। अखबार ने इसे पुतिन का सीधा अल्टीमेटम बताया है। और कहे भी क्यों ना, जब राष्ट्रपति पुतिन खुद कह रहे हैं कि नाटो देशों, विशेष रूप से यूरोप में स्थित है और जो छोटे यूरोपीय देश हैं, उन्हें इस बात की समझ होनी चाहिए कि यूक्रेन को रूस के अंदर हमला करने के लिए हथियारों की मदद करके वो क्या दांव पर लगा रहे हैं। उन्हें ये ध्यान में रखना चाहिए कि उनके देश छोटे और घनी आबादी वाले हैं। अगर वो रूसी क्षेत्र पर हमला करने की बात कर रहे हैं तो पहले सोच लें। ये बात तो आईने की तरह साफ है कि बिना नेटो देशों की मदद के यूक्रेन के पास लंबी दूरी वाले हथियार आना मुमकिन नहीं है। यूक्रेन की स्ट्राइक और इसी मदद ने जंग में आग में घी डालने का काम किया है। पश्चिमी देशों पर भड़के पुतिन ने साफ कहा कि लगातार ऐसी मदद के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। रूस के अखबार ने पुतिन की इस चेतावनी को फाइनल अल्टीमेटम बताया है। साथ ही लिखा है कि पश्चिमी देश ये नहीं सोचें कि पुतिन झूठ बोल रहे हैं। बता दें कि फरवरी 2022 में रूस ने जब बड़े पैमाने पर आक्रमण शुरू किया तो तुरंत कीव ने चेतावनी दी कि अगर यूक्रेन रूसी सेना के हाथों में चला जाता है तो यूरोप के दूसरे देश रूस की हिट लिस्ट में होंगे। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा था कि अगर यूक्रेन खड़ा नहीं होगा तो यूरोप भी खड़ा नहीं होगा, अगर हम गिरेंगे तो आप भी गिरेंगे। और जब इस बात पर चर्चा की गई कि क्या रूस और यूक्रेन का समर्थन करने वाले पश्चिमी देशों के बीच युद्ध छिड़ सकता है, तो पुतिन ने इस साल की शुरुआत में ही कह दिया था कि कुछ भी संभव है, दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से एक कदम दूर है। इन बयानों को अगर गंभीरता से लिया जाए तो नेटो संगठन और पश्चिमी देशों के लिए ये एक चिंता का विषय है। लेकिन तीसरे विश्व युद्ध की आहट कब बंदूकों की गोलियों, तोप और ड्रोन के हमलों में बदल जाए, ये कह पाना अभी संभव नहीं है।